तो भाई वेलकम टू अ व्लॉग सीरीज। अगर आपको वीडियो ऐसे ही फीड में मिल गई है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे हम इंडिया से नेपाल कैसे गए, क्या क्या घूमा, सब कुछ हर एक वीडियो सीक्वेंस वाइज है, तो आप देख सकते हैं उसको जाके। तो अब हम यहाँ पे टूर स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी 9:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं जबलपुर के लिए। आर यू रेडी? और मैं गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे को एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करना है। तो ये रहा भाई फोन, अब इसमें कनेक्ट करता हूँ। रुको। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डे वन का रूट, जहाँ पे हम अपने घर से मतलब लातूर से निकल रहे हैं जबलपुर के लिए। भाई Now we are entering NH44, which is the longest highway in India that connects Srinagar to Kanyakumari. तो भाई यहाँ पे हम HP के पेट्रोल पंप पे रुके हैं और लाल घोड़ा 1 लीटर 130 रुपये मिल रहा है। लाल कलर का घोड़ा 130 रुपये में 1 लीटर मिल सकता है आपको। HP ये रामटेक डिस्ट्रिक्ट नागपुर HP मिस राधे पेट्रोलियम पे आना है आपको। और NH7 मतलब 44 आपको मिलेगा ये लाल घोड़ा 130 रुपये में 1 लीटर। तो भाई अभी हम जस्ट जबलपुर के होटल में पहुंचे, यहाँ पे हम स्टे लेंगे, कल सुबह निकलेंगे। और देखो आते मैंने क्या चीज़ देखी। ये देखो भाई, ये खोलो, इसमें पिन डालो कुछ तो खुल जाता है। इसमें आप किसी के लिए, कोई आ रहा हो घर पे उसके लिए चाबी रख के जा सकते हो। कितनी मस्त चीज़ है यार ये। भाई अभी आपको रूम दिखाता हूँ, देखो एक कुछ ऐसा रूम है। हेलो कर लो। हेलो करो। और नाना जी भी आने वाले थे लेकिन उनका एंड टाइम पे कैंसिल हो गया, तो उनके लिए ऐसा बेड लिया था। यहाँ पे मैं सो जाता, यहाँ पे नाना जी सो जाते। और ये रूम फ्रेशनर है, एक ऑटोमेटिक फ्रिज, किचन बड़ा सा है, और ये लियो के लिए गार्डन जैसा है, मेरा नकली घास है। और अभी दिखाता हूँ, कुछ और होगा तो मेरे को खुद ही देखना पड़ेगा पहले। ओ मिरर भी है। ये क्या वॉशरूम है क्या? ओ भाई सही है। और हाँ भाई AC भी है। हेलो लियो, कुछ कुछ ये देखो भाई, लियो का खाना खुल रहा है। इडली लाया है इसके लिए, नहीं इडली, अरे अच्छे से सांभर है ये, सांभर। अरे यार कैसे खाएगा ये? क्या सांभर में डाल दिया इडली? अरे लियो यार इन्होंने इडली में सांभर डाल दिया। ओ सांभर वाला खाता नहीं लियो। इसने इडली और सांभर डाल दिया इडली में। जबलपुर में बहुत ही मतलब अच्छा है, ऐसे ही देना चाहिए। देखते हैं लियो खाता है। दे रहे हैं अभी इसको। इतना सब खाओगे हाँ? जबलपुर में सच में मतलब इंसानियत है। जोमेटो वाले पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जोमेटो वाले नहीं, रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जोमेटो जोमेटो के थ्रू आया है ना, तो जोमेटो वाले है ना। कैन वी स्टार्ट ईटिंग नाउ? नो। अरे लियो कहाँ चला गया यार? लियो लियो, यहाँ पे क्या कर रहा है? सुसु करने गया था क्या? तो भाई अभी तो मैं जबलपुर पहुँच चुका हूँ, लेकिन आते हुए इतना रास्ता ख़राब था ना, मतलब 750 किलोमीटर का रास्ता है लातूर से जबलपुर, तो मतलब कम से कम 500 किलोमीटर रास्ता तो पूरा ख़राब ही था। ख़राब मतलब डाइवर्जन ये सब, मतलब रोड थी नहीं भाई कॉन्क्रीट की, बस पत्थर डाले हुए थे ऐसे ऐसे थे। बहुत ख़राब था यार, बहुत ज़्यादा ख़राब। बाय लियो। तो भाई अभी तो हम निकल गए हैं मतलब खाना खाने के लिए, डिनर।
और हम जा रहे हैं यहाँ पे, एक हल्दीराम का रेस्टोरेंट है। तो भाई अभी हम हल्दीराम पहुँच चुके हैं, चलते हैं अंदर। ये देखो भाई, ऐसी कुछ पार्किंग है हल्दीराम में फोर व्हीलर्स के लिए, और ऐसी कुछ पार्किंग है टू व्हीलर्स के लिए। मैं तो लूंगा थाली थाली। ये देखो भाई, इंटीरियर कुछ ऐसा है। पापा क्या लोगे? अभी हम टिकट बिल बन गया है अभी, और आएगा लेके थोड़ी देर में। तो भाई अभी हम हल्दीराम से निकल चुके, कुछ मिठाई भी पैक करा ली है, और ये सॉफ्ट खा रहा हूँ मैं अभी। तो भाई ये देखो, जबलपुर में हमको देखने में क्या मिला, कुत्ता चौक। जी हाँ, आपने सही सुना, कुत्ता चौक। देख सकते हैं आप, कुत्ता बैठा हुआ है एक चौक पे, इसलिए उसका नाम रखा गया है कुत्ता चौक। तो भाई वो सॉफ्टी थोड़ी सी टी शर्ट पर गिर गई थी, इसलिए मैंने टी शर्ट बदल लिया, छोड़ो उसको। तो अभी हम होटल में पहुंच गए, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है हमारी ट्रिप का डे टू। अब हम जबलपुर से निकल रहे हैं पटना के लिए। गुड मॉर्निंग, आ जा लियो, चलो। तो भाई ये है हमारा डे टू का रूट, जहाँ पे हम जबलपुर से जा रहे हैं पटना। तो भाई अभी हम यहाँ पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इस मतलब रेस्टोरेंट पे 14 फैमिलीज हम खाना वेलकम कर लिए। मैं तो आलू पराठा खाऊंगा, मौत कर दे इसका आलू पराठा। तो भाई लियो भी यहाँ पे 14 फैमिली का वेलकम ले रहा है, क्यों सही है ना, लोन मस्त है ना। तो भाई ये कवत खतरनाक है, देखो रेस्टोरेंट भी है ढाबा भी है, भाई वे साइड कटनी, रेस्टोरेंट ढाबा रेस्टरूम पेट्रोल पंप किड जोन। किड जोन तो कहीं दिख नहीं रहा, अच्छा वो रहा, एडवे दिखता ही नहीं कुछ मेरे को। किड जोन तो वो रहा लेकिन, और पेट्रोल पंप भी वो रहा। लियो कैसे फिर ये कुछ 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 इसने बांध दिया है। अभी इसका इडली ऑर्डर किया है, इसको देंगे इडली खा के, फिर गाड़ी में बैठेगा सोएगा, फिर निकलेंगे यहाँ से। हम भी खाएंगे, मैंने आलू पराठा मंगाया, पापा ने छोला भटूरा मंगाया, माँ का देखना पड़ेगा अभी। भाई अभी इडली ले लिया है हमने, प्लेट निकालूंगा इसमें से, और पेडिग्री के साथ इडली खाएगा आलू पिज्ज़ा। अभी निकल गए हैं यहाँ से और चलते हैं आगे। तो भाई इसके बाद की और पटना के जितने भी अंदर सिटी के अंदर की वीडियोस थी सब करप्ट हो गई है, तो आप सीधा वे टू गैंगटॉक ही देखो, मतलब पटना से निकलने के बाद का ही मेरे पास है, बाकी सब करप्ट हो गया है, तो जो है यही है। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं गैंगटॉक के लिए, और गैंगटॉक जाने के लिए बता रहा है पटना से 14 घंटा और 572 किलोमीटर। माँ का मोबाइल खो गया है कहीं, तो हम तो फिर मार रहे हैं लेकिन गाड़ी में नहीं मिल रहा है, तो अभी ढूंढेंगे हम उसको। ये यहाँ पे है क्या? तेरे पास तो नहीं है भाई। तो भाई हमने सोचा कि जो हुआ होने दो, छोड़ो उसको, हम आगे चलते हैं। तो वैसा ही हमने किया, तो हम आगे बढ़ गए गैंगटॉक के लिए। बादल बरसा, सावन को पानी, यू शुड बी अरेस्टेड। तो भाई अभी हमने ये लिया है कॉफी, फूफा, इतना बड़ा फूफा, खेलो चलो।
भाई अभी हम सिलीगुड़ी से आगे आ चुके हैं और आप लोग ट्रैफिक देखो पहाड़ पे। हम पेट्रोल पंप पे आए थे पेट्रोल भरवाने और हम यू रॉन्ग वे से आए थे। देखो भाई कितना दूर तक जाम है और आगे भी जाम है। तो ये आइए बहुत तगड़ा जाम है, पता नहीं कितना देर लगेगा। ऐसे ही रात हो गई है, अंधेरा भी है घाट पे, घाट आने वाला है तगड़ा वाला और रात में ढंग से दिखता भी नहीं। और एक तो रोड पूरी लाइट खा जा रही है, कुछ लाइट दिख ही नहीं रहा इस रोड पे। देखते हैं अभी कितना देर लगता है इसमें, क्योंकि तब से ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा। 5 मिनट से हम यहाँ पे रुके हैं लेकिन ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा। और ये लोग भी पेट्रोल पंप पे जो आए थे वो लोग भी रुके हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई अभी हम गैंगटॉक के होटल में पहुंच गए और रास्ता कैसा कैसा था। और देखो अगर आपको देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ठंडी होती है, तो होटल देखो है ना, फैन है और ना एसी है कहीं भी, बस खिड़की है बस। ठंडी होने भी यहाँ बोल दिया, फीलिंग वेरी कोल्ड। जेट स्प्रे में गीजर नहीं लगता। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।